यदि शरीर से बुरा ना करे तो कलयुग में मुक्त हो सकता है। और मान लो भूल हो गई तो उसको फिर दोबारा ना करे। ये वाणी में गुरुओं ने सीधा कहा कि नहीं कहा, पर अपने अनुभव के आधार पर भी लगता है कि परमात्मा बार बार माफ करते हैं। जैसे जन्म देना भी माफ ही करना है, ऐसे ही एक बार फिर छुट्टी देना कि फिर आगे सुधरे, फिर आगे सुधरे। जैसे साधारण माता पिता भी बच्चे को दंड भी देंगे, डांटेंगे भी, लेकिन फिर बच्चे का भला चाहते हैं। तो इसी तरह तब तक पर जन्म देते रहते हैं, ये परमात्मा की कृपा है। इसलिए कलयुग में ऐसी बुरे अवसर पर जो थोड़ा करता है, तो इससे ये भी पता चलता है इसकी सच्ची लगन है। जब जब वातावरण, जैसे जब सब वातावरण अच्छा था तब कोई चोरी करता तो ज्यादा बुरा था, क्योंकि सब वातावरण अच्छा था तब चोरी की तो ज्यादा अपराधी है। जहाँ सब बुरे लोग हैं, ऐसे में यदि थोड़ा भी कोई अच्छा करता है तो उसका बड़ा साहस है। इसलिए थोड़ा सांसारिक भाषा में वो बड़ा कीमती है। ऐसे ही इस युग में यदि थोड़ा समय निकाल लेता है, 24 घंटे भजन नहीं कर पाता, 24 घंटे योग नहीं कर पाता, तो भी उसकी प्राप्ति हो सकती है। और यदि इसका रस लगने लग जाए तो बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। ये तो आज अंग्रेजी दवाइयों में भी कई कहते हैं कि पहले एक गोली से आपका फायदा होगा, फिर 2 से होगा, फिर 3 से होगा, वो असर और ज़्यादा खाने की आदत पड़ती है। तो इसमें भी भजन से भी हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा। और भजन के भी स्तर हैं, पहले हम तन के द्वारा करें, फिर तन के बाद में हम थोड़ा थोड़ा वाणी का सहारा लें, फिर मन का सहारा लें, तन का ना लें। क्योंकि अधिकतर ध्यान भजन में लोगों को देखा जाता है चुप बैठे हैं, जैसे शरीर कुछ नहीं कर रहा, लेकिन करने वाला तो अंदर है। तो इसलिए भजन में भी क्रम है। यदि जब तक शरीर से नहीं कुछ करो तो मन सो जाता है, मन चंचल हो जाता है। इसलिए पहले भजन में तन द्वारा वाणी द्वारा करना चाहिए। जब इसमें रस आने लग जाए तो तन को छोड़ देना चाहिए, मन द्वारा करना चाहिए। जब और आगे चले जाए तो मन को भी छोड़ देना चाहिए, फिर केवल सुरती लगाकर अंदर ध्यान से सुमिरन करना चाहिए। तो ये इस युग में एकदम नहीं करना जी। और दूसरे पहले के लोग दिन दिन भर भजन करते थे, अब थोड़ी देर भी कर ले पर सच्चा कर ले तो उसका काम बन सकता है। स्वामी जी, जिस तरह गुरबाणी दे विच महाराज सिमरन नू बड़ी विशेषता देंदे ने, हर थां प्रभ का सिमरन गर्वन वसे लालच भी देंदे ने कि प्रभ के सिमरन दुख जम नस है, प्रभ के सिमरन काल पर हर है। तो असी लोग थोड़ा चिर सिमरन करते हैं तो वो साढ़े दुख दर्द दूर नहीं होंगे, तो फिर नास्तक हो जाने पे साढ़े महाराज इदा कहते असी कीता पर होया तो है नहीं। ये सिमरन की तुसी दसो भी ये कोई विधि है जां कित्थे अणगहली रह जाती है कि वो साढ़े काम उस दुख दर्द दूर नहीं होंगे, असी अपने वालों नाम जपते हैं पर कितने वो नाम विच कोई कमी नहीं, प्रभु का नाम है, कमी हो सकती तो साढ़े सिमरन दे विच साढ़ी विधि विच जां किदां तरीका जां की नहीं करते असी। इसमें दो तरह की बातें हैं ग्रंथों में और सभी धर्मों में। एक तो होता है कि जब हम भगवान का नाम लेंगे तो दुख नहीं होगा। जैसे श्रीमद् भागवत के निमित्त से एक उदाहरण दें कि परीक्षित को 7वें दिन सांप काटना था, उस सांप के काटने से उनकी मृत्यु होनी थी। तो आम आदमी सोचेगा कि भाई भजन करेंगे या भागवत सुनेंगे तो सांप नहीं काटेगा और मृत्यु नहीं होगी, ये मोटा अर्थ आदमी निकाल लेता है। तो यदि हम इस अर्थ को ऐसे ही ले लें तो भागवत सुनने के बाद परीक्षित को 7वें दिन सांप ने भी काटा और 7वें दिन शरीर का अंत भी हुआ, ठीक है। तो एक स्थूल जो लोग समझते हैं कि ये नहीं होगा। तो मैं कभी कभी आजकल ये भी कहता हूँ कि आजकल का कोई पंडित होता कथा करता और आजकल का कोई परीक्षित होता
तो परीक्षित को तो सातवें दिन सांप काटता और मृत्यु होती, परिवार वाले पंडित की आफत कर देते कि तूने हमारा समय बर्बाद किया और वो मर भी गया, हम दवा करा सकते थे, तेरी गलत फहमी के कारण हमने नहीं छोड़ा। असल में मृत्यु क्या है और परीक्षित की नहीं हुई, परीक्षित को मुक्ति प्राप्त हो गई। जो जीव शरीर में फंसा था और बार बार जन्म लेता था, वो परीक्षित सुमिरन करते करते ब्रह्म को प्राप्त हो गया, जिससे शरीर की मृत्यु तो हुई पर पुनर्जन्म नहीं हुआ और उसकी मृत्यु नहीं हुई, वो तो ब्रह्म में स्थित हो गया। तो ये गहराई नहीं समझ पाते लोग, तो ज्यादातर भजन पूजा पाठ करने वाले स्थूल लाभ की ओर ही कहते। इसलिए सारे ग्रंथों ने कामना से किया गया भजन, स्वार्थ से की गई सेवा को महत्व नहीं देते, वो निष्काम को देते हैं। अर्थात ये समझ में आ जाए कि जब हम सचमुच भगवान में लीन हो जाते हैं, जैसे कोई समाधि में जाएगा तो समझेगा कि देह मैं नहीं हूँ, फिर समझेगा ये मेरा नहीं है। तो जिसका दुख अभी होता है, ये दुख उसे होने ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि यूं तो हमारे गुरुओं के भी साथ दुर्व्यवहार हुए, गुरुओं का भी शरीर छूटा। तो यदि ये अर्थ होता तो सीधा समझ लो कि भजन का फायदा ही नहीं हुआ, और राम भगवान के साथ क्या हुआ, वनवास हुआ, सीता का हरण हुआ और तमाम दुष्टों से संघर्ष हुए, गुरु महाराज के दशम गुरु जी के हुए, तो वो भी हो जाते नास्तिक कि हम क्यों भगवान की याद करें, ये क्यों हो रहा है। तो वो तो इसी के लिए आए थे, उन्हें पता था कि हम तो आए ही देश के काम करने का है, समाज के सुधार करने का है, तो उनको ये दुख नहीं हुआ। यदि वो आम लोगों की तरह होते तो गुरु गोविंद सिंह स्वयं नास्तिक हो जाते। तो लोगों की जो सोच है, अब यही जैसे हम हैं, हमने घर छोड़ा, भगवान का चिंतन करते हैं, शरीर तो अब बूढ़ा हो रहा है, कभी कभी शारीरिक रोग और तकलीफ भी हो जाती है। यदि इसीलिए हमने गुरु बनाया होता, इसीलिए हम भगवान का भजन करते होते, तो आज भगवान के खिलाफ होते। तो और फिर ये तो हम मान के चलते हैं कि कुछ ना करें या करें, शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होकर एक दिन नहीं रहेगा, तो हम शरीर बचाने के लिए भजन ही नहीं कर रहे। इसी तरह कोई मान अपमान ना हो, इसके लिए हम भजन नहीं करते। इसी तो हम, बल्कि हम तो भजन या उसका चिंतन इसलिए करते हैं कि मान अपमान से छूट जाए, लाभ हानि से छूट जाए, यह हम कल्पना ही हमारे मन में ना हो। इसलिए वाणी में भी ऐसे बहुत प्रकरण आते हैं, जो नर दुख नहीं। हाँ, दुख नहीं। और ये भी कि तजय मान अपमान, हाँ, और मान, और जो ऐसा है वो साक्षात भगवान की मूर्त है। तो असल में जिस पर ध्यान जाना चाहिए उस पर जाता ही नहीं, हम इसी संसार के लिए ही मांगते रहते हैं। और आज भी संत और प्रचारक यही कहते हैं कि सब लोग यही प्रश्न नहीं करना चाहिए, लड़के के बच्चों के ये। अब पर चूंकि आम लोग इसीलिए अभी धर्म में आते हैं, गुरुद्वारे में आते हैं, मंदिर में आते हैं, साधु के पास जाते हैं, कथा सुनते हैं, तो ये भी नहीं है कि ये लाभ नहीं होता, ये भी थोड़ा विचारणीय तो है। पर यदि ये लाभ होता है तो इसी को पूरा लाभ नहीं मानना चाहिए। गड़बड़ी ये होती है कि इसको लाभ मानते हैं, और दूसरा ये है कि इसका लाभ ही नहीं होगा, आप पूजा करोगे, पाठ करोगे, गुरुद्वारे जाओगे तो तुम्हारा कोई काम नहीं होगा, यदि ये अर्थ कर लें तो भी ठीक नहीं है, काम तो होते हैं। पर हम लोगों के यहाँ एक ये भी कथावाचक बोलते हैं, चाहे वो सनातनी बोलते हैं या सिख संत बोलते हैं, मैं नहीं जानता, पर ये बोलते हैं कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। ये इस पर ध्यान देना चाहिए, अर्थात ये पापी के भी होते हैं, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि भजन पूजा करने वाले के नहीं होते, माने ये तो भजन पूजा करने से भी होते हैं, पापी के भी होते हैं। तो इतने में फूल नहीं जाओ कि लड़का हो गया, शादी हो गई, नौकरी लग गई, ये सब काम हो गए तो भगवान की पूरी कृपा हो गई, यहाँ भूल होती है। ये भी कृपा है, लेकिन भगवान की कृपा होने पर तो ज्यादातर उनके ऊपर भी होती जिनको कष्ट देते हैं। असल में सच्ची कृपा का प्रारंभ तब होता है जब कोई ना कोई समस्या आती है, कष्ट आते हैं,
तब उसकी समझ की भी कसौटी है और सचमुच भगवान को चाहता है ये कसौटी।